क्या, प्रायोगिक क्या आपसे मैं कह रहा हूं, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए दो वर्ड होते हैं, मापन और एक क्या होता है, मूल्यांकन, ठीक है। एक मापन और एक क्या होता है, मूल्यांकन। बात समझना मैं क्या बताना चाहता हूं। मेरे कहने का मतलब है मापन और मूल्यांकन। जब मूल्यांकन वर्ड है वो ब्रॉड है, मूल्यांकन में मापन आएगा आएगा, मापन में मूल्यांकन नहीं आएगा। मेरे कहने का मतलब है मापन का संबंध केवल, बोलो, मात्रात्मकता से है, बोलो, केवल संख्यात्मक पक्ष से है। किससे है, बोलो, संख्यात्मक। जबकि मूल्यांकन के अंदर, बोलो, मात्रात्मक या संख्यात्मक, बोलो, संख्यात्मक के साथ गुणात्मक भी है, के साथ किससे है, बोलो, गुणात्मक भी है, ठीक है। बोलो क्या मतलब हुआ। सपोजेड मैंने कहा कि एक व्यक्ति किसी चीज को लेना चाहता है, सपोजेड भिंडी लेने गया और उसने बोला कि भैया भिंडी क्या भाव दी, उसने कहा कि 40 रुपए किलो दी, चलो 1 किलो दे दो। ये केवल और केवल क्या है, बोलो, मापन है, जिसमें मात्रा और संख्या इसके अलावा कुछ नहीं। लेकिन इसमें उससे धोखा भी हो सकता है, लेकिन अगर मूल्यांकन जा कर लिया वहां, बोलो, धोखा होने का चांस कम होता है। अब मूल्यांकन क्या होगा, अगर यही केस में व्यक्ति जिसको भिंडी लेनी है वो भाव भी पूछे, मतलब मापन भी करे, हाथ में भी ले, चेक भी करे, कच्ची है कि नहीं है, बोलो, आपसे मैं कह रहा हूं बीज वाली तो नहीं है, फ्रेश एक नहीं है, बोलो, जैसे ही हाथ में टच करोगे पता चलेगा, फिर उसने कहा भैया 1 किलो दे दो। ये क्या हुआ, मूल्यांकन। यानी जब भी मूल्यांकन होगा उसमें मापन जरूर आएगा। मूल्यांकन का मतलब होता है निर्णय, आपसे मैं करूं लेना, ठीक है। और आपसे मैं करूं, जो व्यक्ति इस मूल्यांकन के द्वारा निर्णय लेता है उसकी भविष्यवाणी हमेशा सही होती है, उसके भविष्यवाणी हमेशा क्या होती है, सही होती है, क्लियर। अब आपको मैं क्या बता रहा हूं, यहां पर मैंने आपसे कहा कि मूल्यांकन के अंदर निर्णय लेना हमेशा सही होती है। मतलब एक स्टूडेंट है, अगर टीचर ने उसकी मार्कशीट देखी और बेका की 90% है और वो उसने कुछ भी बोला तो वो हो सकता है भविष्यवाणी सही नहीं हो, लेकिन आपसे, क्योंकि वो तो मापन हुआ, एक टीचर ने एक स्टूडेंट की मार्कशीट भी देखी, एकेडमिक रिकॉर्ड भी देखा, उसको अच्छे से सारी एक्टिविटीज के, यार वो तो ऑलराउंडर है, तो फिर वो भविष्यवाणी करेगा तो वो क्या होगा, मूल्यांकन के द्वारा करेगा, और मूल्यांकन से लिया गया निर्णय हमेशा सही रहता है। एक बात यह, फिर मैं आपको क्या बता रहा हूं कि जो मेन एग्जाम में आता है वो आता है मूल्यांकन के तकनीकी गुण, ठीक है, तकनीकी गुण। पहले मैं आपको सारा समझा देता हूं ताकि आपके माइंड में पहले सेट हो जाए। तकनीकी गुण में कौन कौन से, पहला है वस्तु निष्ठा, ठीक है, अच्छे से अपन समझते हैं। दूसरा है विश्वसनीयता, ठीक है, विश्व, आपसे मैं करूं विश्वसनीयता, ठीक है। तीसरा है व्यापकता, क्या है, बोलो, व्यापकता। फिर है विभेदनशीलता, विभेदनशीलता, ठीक है। और फिर आपसे मैं कह रहा हूं यहां पर वेदता, ठीक है, वेदता। और नंबर 6 मानकीकरण, ठीक है, मानकीकरण। मतलब ये समझ गए तो समझ लो मूल्यांकन की मेन चीज समझ गए। यहां से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। अब आप 10 मिनट मुझे अच्छे से सुनो, मैं हर एंगल से समझाता हूं और आपको कभी भी रटने की जरूरत नहीं है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पक्का आता है, क्लियर, समझो। वस्तुनिष्ठता, हर एंगल से समझाता हूं। वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या है, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं मूल्यांकन एजुकेशन के अंदर, इसलिए हम सभी को जोड़ेंगे एजुकेशन से। बोलो बात समझ में। तो मेरे कहने का मतलब, वस्तुनिष्ठता का मतलब होता है, एक बालक ने एक प्रश्न पत्र दिया, एक एग्जाम दिया जिसमें उसके कुछ मार्क्स आए, बोलो, उस मार्क्स को, उस प्रश्न पत्र को, बोलो, बार बार अलग अलग टीचर चेक कर रहे हैं फिर भी उतने ही नंबर आ रहे हैं, इट मींस उसमें कौन सा गुण होता है, वस्तुनिष्ठता का। बात समझ में। इसका मतलब हुआ कि अगर हम सोचे कि प्रश्न पत्र में वस्तुनिष्ठता का गुण कब होगा, जब प्रश्नों का आंसर फिक्स होगा, जब प्रश्नों का आंसर क्या होगा, फिक्स होगा। इसका मतलब हुआ कि हमारे जितने भी कंपटीशन के एग्जाम्स होते हैं उनमें ये गुण हो ना हो, लेकिन ये गुण रखना
बहुत जरूरी होता है, इसीलिए आपके एग्जाम ऑब्जेक्टिव होते हैं। बोलो बात समझ में। जिसके अंदर किसी शिक्षक की भावनाओं का, फीलिंग्स का कोई रोल नहीं होता है, बात समझ में। जिसके जितने नंबर आएंगे वो कंप्यूटर चेक करेगा तो भी उतने आएंगे, कोई टीचर चेक करेगा तो भी उतने आएंगे, और आप खुद चेक करोगे तो भी उतने ही नंबर आएंगे। तो आपसे मेरी बात समझ में। अब वस्तुनिष्ठता में कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं, आपको पूछते हैं कि अगर एक पर्सन है, एक विद्यार्थी है, उसने एक प्रश्न पत्र दिया और उसका जो इतने नंबर आए, दूसरे टीचर ने चेक किया तो दूसरे अलग नंबर आए, तो बताओ उस प्रश्न पत्र में कौन सा मूल्यांकन का गुण अनुपस्थित है, तो क्या बताओगे? वस्तुनिष्ठता। उल्टा सीधा दोनों तरह से पूछा जाता है। आपको ये कह दे कि एक विद्यार्थी ने एक प्रश्न पत्र दिया, अलग अलग टीचर द्वारा चेक करने पर भी समान अंक आते हैं, तो बताओ कौन सा गुण है? तो वस्तुनिष्ठता। अलग अलग नंबर आते हैं तो कौन से गुण का अभाव है? तो भी वस्तुनिष्ठता। क्लियर। अब आ जाते हैं विश्वसनीयता। विश्वसनीयता क्या होता है? विश्वसनीयता का मतलब होता है कि आप सभी को एक विद्यार्थी जो है वो जिसने आज एक टेस्ट दिया 80% आए, 3 दिन बाद फिर टेस्ट लिया 80% आए, बोलो ऑलमोस्ट 80% आए, 1 सप्ताह बाद टेस्ट लिया 80% आए, इसका मतलब कौन सा गुण को शो करता है? विश्वसनीयता। मतलब समझना, एक विद्यार्थी समान लेवल के एक से अधिक प्रश्न पत्र देता है और सब में लगभग समान अंक आते हैं, तो कौन सा गुण हुआ? विश्वसनीयता। देखो दोनों में अंतर है, वस्तुनिष्ठता अलग चीज और विश्वसनीयता अलग चीज है। मेरी बात को समझना। अगेन आपसे मैं कहूं, एक विद्यार्थी ने समान स्तर के 2 एग्जाम दिए, उनके अलग अलग नंबर आए, कौन से गुण का अभाव हुआ? विश्वसनीयता। किसका अभाव हुआ? विश्वसनीयता। विश्वसनीयता का मतलब समझ में आया? बोलो कि एक बालक एक से अधिक प्रश्न पत्र देता है, लगभग समान अंक आते हैं, तो विश्वसनीयता। एक बालक एक प्रश्न पत्र देता है, एक से अधिक अध्यापक द्वारा चेक किया जाता है, फिर भी समान अंक आते हैं, क्या होगा? वस्तुनिष्ठता। बोलो बात समझ में। आई थिंक दोनों में अंतर समझ में आया। अक्सर स्टूडेंट क्या सोचते हैं, समान अंक आएगा मैं कर दूंगा। अरे बोलो, लैंग्वेज पे डिपेंड करता है कि बोलो कब क्या करना है, और इनका प्लस और माइनस दोनों पता होना चाहिए। अभाव किसका है वो भी आना चाहिए, और कौन सा गुण है वो भी आना चाहिए। क्लियर। फिर आ जाते हैं व्यापकता। व्यापकता का मतलब क्या होता है? मेरे कहने का मतलब है, एक प्रश्न पत्र बनाया टीचर ने जिसके अंदर 10 चैप्टर थे। कितने थे? 10 चैप्टर है। और आपसे मैं करूं, अगर उस प्रश्न पत्र में सभी चैप्टर के प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है, तो बोलो कौन सा गुण होगा? व्यापकता का होगा। क्लियर। लेकिन अगर उल्टा सोचे कि एक प्रश्न पत्र के अध्यापक ने बनाया, बोलो उस प्रश्न पत्र में किसी सब्जेक्ट के 10 चैप्टर थे, उनमें से टीचर ने 2 ही चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन दे दिए और बाकी के कम दिए या नहीं दिए, तो बताओ उस प्रश्न पत्र में कौन सा गुण का अभाव है? व्यापकता। बोलो बात समझ में। जो लोकल लेवल पे एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या करते हैं टीचर, कि उनको कुछ टॉपिक अच्छे लगते हैं उनके ज्यादा दे देते हैं। लेकिन जो बोर्ड लेवल के एग्जाम होते हैं, जो प्रमाणिक एग्जाम होते हैं, उनके अंदर ब्लूप्रिंट के आधार पर प्रश्न पत्र बनाए जाते हैं। पहले से ही फिक्स रहता है किस चैप्टर से कितने, मतलब कितने आएंगे, किससे बड़ा किससे छोटा, कितना क्या वेटेज, बोलो उसी के आधार पर। एक ब्लूप्रिंट का मतलब यही होता है। बोलो क्लियर। तो आपने व्यापकता वर्ड समझ में आया? बोलो। आपसे मैंने कहा प्लस माइनस दोनों समझ में आया। व्यापकता कब करेंगे और कब नहीं करेंगे, मतलब आपको कब अभाव होगा तो व्यापकता करेंगे। आपको बोले कि एक प्रश्न पत्र में एक विषय के सभी पाठ्यक्रम के सभी विषयों के या सभी टॉपिक के प्रश्नों को सम्मिलित किया है, तो कौन सा गुण है? व्यापकता। और आपने नहीं किया तो बोलो व्यापकता। बात समझ में। फिर विभेदनशीलता। विभेदनशीलता का मतलब एक प्रश्न पत्र में सभी लेवल के प्रश्न होने चाहिए, जिसमें कुछ प्रश्न ऐसा हो जिसने बहुत तैयारी की हो, वो देख के खुश हो, यार ये तो मेरे लिए ही बने हैं। बोलो कुछ एवरेज भी होने चाहिए, कुछ बिल्कुल लोवेस्ट भी होने चाहिए, ताकि आपसे प्रतिभाशाली, पिछड़ा बालक, मंदबुद्धि बालक, एवरेज बालक सब खुश हो। बोलो बात समझ में। तो आपसे मैं करूं, उसको बोलते हैं विभेदनशीलता। मतलब विभेदनशीलता
मतलब समझ गए, जिस प्रश्न पत्र में क्या वर्सिलिटी हो, जिसमें सभी तरह के प्रश्न हो, बोलो कुछ बहुत अच्छे भी हो, कुछ एवरेज भी हो, कुछ बिलो एवरेज भी हो, कुछ अबाउ एवरेज भी हो, बोलो कुछ जीनियस लेवल के भी हो, तो क्या होगा विभेदनशीलता। क्लियर। बहुत सी बार क्या होता है कि ऐसा एग्जाम होता है जिसमें सारे प्रश्न हल दे देते हैं, इजी दे देते हैं, तो फिर क्या होता है बोलो विभेदनशीलता का गुण हुआ ही नहीं, फिर तो क्या हुआ बोलो सबके अच्छे नंबर आ जाएंगे, तो अब फिर उसमें क्या होता है वो सही से मूल्यांकन नहीं होगा। आई थिंक ये वाला समझ में आया बोलो आपको। अब है वैधता, इसको समझना क्या होता है। मेरे कहने का मतलब है कि कोई भी प्रश्न पत्र जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया है वो उद्देश्य पूरा होना चाहिए, तो ही वो प्रश्न पत्र वैध कहलाएगा। जैसे मैंने आपको का एक एग्जांपल से बताता हूं, मैंने कहा एक घड़ी है, बहुत सुंदर घड़ी है, घड़ी किस लिए बनाई जाती है? गलत। घड़ी बनाई जाती है सही समय बताने के लिए। पता चला एक सुंदर घड़ी है, बहुत सुंदर घड़ी है, वो आगे पीछे समय बता रही है, क्या वो वैध घड़ी होगी? क्या नहीं। वैधता का मतलब क्या है कि जिस उद्देश्य के साथ जो चीज बनाई गई है वो उद्देश्य पूर्ण होता है, तो ही वो प्रश्न पत्र क्या कहलाएगा? वैध कहलाएगा। जैसे सपोजेड को एक एग्जाम होता है, आपसे मैं कह रहा हूं जैसे सेकंड ग्रेड का एग्जाम है, उसके अंदर अगर आप नेट लेवल के प्रश्न दे दोगे तो क्या वो आपका उद्देश्य पूरा होगा? क्या नहीं होगा। मतलब जिस उद्देश्य के लिए आप प्रश्न पत्र बना रहे हो वो उद्देश्य पूरा होगा, तभी वो प्रश्न पत्र में कौन सा गुण होगा? वैधता का होगा। घड़ी बहुत सुंदर है, समय आगे पीछे बता रही है, तो बोलो वो किसी काम की नहीं है, बोलो क्योंकि वो वैध नहीं है। फिर है मानकीकृत। मानकीकृत का मतलब, स्टैंडर्डाइजेशन का मतलब होता है किसी भी प्रश्न पत्र में मूल्यांकन के अधिकांश तकनीकी गुण को सम्मिलित किया गया हो तो वो प्रश्न पत्र कैसा कहलाता है? मानकीकरण। जो बोर्ड के एग्जाम होते हैं जिनमें मैक्सिमम बातों को ध्यान में रखा जाता है। बहुत सी बार होता है कि पांच नहीं तो चार तीन इतने गुण तो होने ही चाहिए, जिसमें ज्यादातर का ध्यान रखा जाता है वही क्या कहलाएगा? मानकीकरण। इसका मतलब कहीं रटने की जरूरत नहीं है, बोलो आप कभी भी सोचो, माइंड में सोच लो यार वस्तुनिष्ठता का मतलब क्या, विश्वसनीयता का मतलब क्या, वैधता का मतलब क्या, व्यापकता का मतलब क्या, विभेदनशीलता का मतलब क्या, मानकीकृत का मतलब क्या। वर्डों पर जाओ, वर्ड समझ में आ गए तो काम हो जाएगा। बात समझ में आए? अब अपन बोलो मूल्यांकन। ओके, मूल्यांकन मैंने यहां पर बहुत डिटेल से हर वो चीज जो मूल्यांकन से संबंधित है बताई है। क्लियर। ओके, पढ़ रहे हैं, जहां इंपॉर्टेंट आएगा मैं बताऊंगा। मूल्यांकन वह प्रक्रिया जिससे किसी जांच स्तर को आधार बनाकर, आप समय को जांच स्तर को आधार बनाकर किसी वस्तु का मूल्य कीमत निर्धारित करने या आंकने की बात की जाती है। वह बच्चा अच्छा है या उसका मूल्यांकन है। मूल्यांकन अंग्रेजी भाषा के आपसे इवैल्यूएशन का हिंदी रूपांतरण है। इवैल्यूएशन का अर्थ है कि किसी तथ्य के संबंध में निर्णय लेना या निष्कर्ष करना। मैंने सबसे पहली लाइन यही बताई थी आपको कि मूल्यांकन का मतलब क्या होता है, निर्णय लेना। क्लियर। उसके बाद आपसे हिंदी का मूल्यांकन शब्द मूल्य प्लस अंकन बोलो से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है मूल्य आंकना। परिभाषाएं बोलो आपसे मैं कर रहा हूं दो परिभाषाएं, लेकिन तीन परिभाषाएं चार है, लेकिन कोठारी आयोग की परिभाषा अक्सर पूछी जाती है। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो समस्त शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है, और इस प्रकार इसका शैक्षिक उद्देश्यों के साथ घनिष्ठ संबंध है। आप अंडरलाइन लगाओगे निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, और अंडरलाइन लगाओगे कोठारी आयोग, आप खुद जानते हो जो कठोर चीजें होती है वो निरंतर चलती है। आज आपकी दीवार है, 10 दिन बाद ये थोड़ी कहेगी कि मैं रूठ गई हूँ, ये ऐसी की ऐसी ही रहेगी। इसका मतलब हुआ कि मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये किसने कहा? कोठारी आयोग ने कहा। यही परिभाषा पूछी जाती है, मैंने इंपॉर्टेंट लगाया, ध्यान रखना। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया पर अंडरलाइन लगाया और कोठारी आयोग पर लगाया। क्लियर। उसके बाद
कौन वेग के अनुसार मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त किया जा रहा है कि नहीं। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं तो हमें थोड़ी फीडबैक की फीलिंग्स आती है। किसकी आती है? फीडबैक, मतलब हमें फीडबैक का मतलब क्या होता है, चेक करना पड़ रहा है कि उद्देश्य प्राप्त हुआ है कि नहीं। तो कौन बैक में आपको फीडबैक साइड में लिख लो कि समझ में आया बोलो, और कौन बैक मतलब फीडबैक, इसको पढ़ो। ये क्या कहता है, मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा अध्यापक व छात्र इस बात का निर्णय करते हैं कि शिक्षण के उद्देश्यों को प्राप्त किया जा रहा है कि नहीं। बात समझ में आए। माध्यमिक शिक्षा प्रसार कार्यालय कार्यक्रम निर्देशालय है, मूल्यांकन का संबंध संपूर्ण शिक्षा कार्य से है। इसका मूल उद्देश्य शिक्षण में सुधार करना है। ये उन कारकों का पता लगाने में समर्थ है जिसका संबंध छात्र के विकास से होता है। कॉल और स्टार के अनुसार मूल्यांकन वह निर्णय या विश्लेषण है जो विद्यार्थी के कार्य को प्राप्त सूचना से निकाला जाता है। चार मैक्सिमम परिभाषा है, दो परिभाषा काम की है, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है कोटारी आयोग की। क्लियर, वो ध्यान रहेगी। मूल्यांकन निरंतर चलने वाली प्रक्रिया, आपसे मैं करूँ जो मेन प्रक्रिया जो आपकी मूल्यांकन कि आपसे मैं कहूँ परिभाषा की बात करूं तो परिभाषाओं में एक ही जो किसकी है बोलो, कोठारी आयोग, यही पूछी जाती है और यही पता होनी चाहिए। मैंने कहा क्या मूल्यांकन, मैंने कहा एक निरंतर चलने आपसे कहूँ वाली प्रक्रिया, ठीक है बोलो, है डैश डैश डैश, समझ गए बोलो। आपको कोई याद नहीं करनी है, थोड़ा सा ध्यान रखना है, निरंतर चलने वाली प्रक्रिया बोलो। आपसे मैं कह रहा हूं निरंतर मतलब समझ गए, कोठारी आयोग से हमने क्या निकाल दिया, कठोर वस्तु, और कठोर वस्तु क्या होती है, निरंतर चलने वाली होती है। क्लियर, एक मैंने और बताया कौन बेक, क्या बताया बोलो, कौन बेक, और मैंने कहा ये कहता है कि छात्र और विद्यार्थी बोलो शिक्षक इस बात का निर्णय करते हैं कि वास्तव में हमारे उद्देश्य की पूर्ति हुई है कि नहीं हुई है। इसका मतलब इसकी परिभाषा में मुझे फीडबैक, आपसे मैं कहूँ किसकी फीलिंग आती है, फीडबैक की, तो मैं थोड़ा सा बैक से पता चल जाएगा कि किसने दिए, कौन बैक ने दिए। बात समझ में आए, ये दो परिभाषाएं थोड़ी काम की है। ओके, उसके बाद मूल्यांकन का उद्देश्य छात्रों के अधिगम कौशल को ज्ञात करना, बोलो वेरी सिंपल, छात्रों की दुर्बलता को ज्ञात करना, निदान करना, भाई मूल्यांकन क्यों करता है, जिससे हमें कमजोरियां पता चले, जिनका निराकरण कर सके, बच्चों को अच्छी शिक्षा का प्रदान कर सके। तो उद्देश्य छात्रों के अधिगम कौशल को ज्ञात करना, छात्रों की दुर्बलता को ज्ञात कर निदान करना, शिक्षण पद्धतियों को प्रभावशीलता का आकलन करना, शिक्षक के अध्यापन कौशल को ज्ञात करना, बालक बोलोकों के सर्वानुगुण विकास को निरंतर गति देना, सीखने की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देना, छात्रों की उपलब्धि का पता लगाना, दक्षता का मूल्यांकन करना, बालकों का वर्गीकरण करना, मूल्यांकन करेंगे तभी पता चलेगा कि भाई वास्तव में कौन कौन से बालक कैसे, बालक शिक्षक शिक्षण पद्धति पाठ्यक्रम और अन्य शैक्षणिक साधनों की उपयोगिता की जाँच करना। आपसे मैं कह रहा हूं आप जानते हो बोलो तीन मेन स्तंभ होते हैं, एक होता है शिक्षक, एक होता है शिक्षार्थी और एक होता है पाठ्यक्रम। बात समझ में आए बोलो। ओके, अब है अच्छे ये मूल्यांकन के उद्देश्य तो वेरी सिंपल, बोलो आपसे मूल्यांकन की विशेषताएं, मैंने कहा व्यवहारिक विशेषताएं और तकनीकी विशेषताएं। व्यवहारिक विशेषताएं, काम में लेने में सरलता, व्याख्या में स्पष्टता और फलांकन में सरलता। तकनीकी विशेषताएं छह मैंने अभी आपको समझाई, बिल्कुल देखो आपको भी समझ में आ जाएगी। व्यापकता, वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता और आपसे मैं कह रहा हूँ विभेदनशीलता और वैधता और मानकीकरण। पहली है व्यापकता, वह मूल्यांकन समझ में आएगी बोलो। ओके, वह मूल्यांकन जिसमें पाठ्यक्रम की सभी वस्तुओं को शामिल किया जाए, अर्थात परीक्षा में दिए गए संपूर्ण प्रश्न, बोलो प्रश्न संपूर्ण पाठ्यक्रम से संबंधित हो। व्यापकता का संबंध जहाँ सामग्री से, वहीं दूसरी और उद्देश्य से भी है। एक अच्छी परीक्षा द्वारा पूर्व निर्धारित उद्देश्यों में से अधिक का परीक्षण होना चाहिए। वस्तुनिष्ठता, जिस परीक्षण का मूल्यांकन विभिन्न परीक्षकों द्वारा किए जाने पर भी परीक्षा के परिणाम में अंतर नहीं आता हो तो कौन सा गुण होगा, वस्तुनिष्ठता। वस्तुनिष्ठता होने पर अध्यापक की रुचि, मनोदशा और पक्षपात का कोई स्थान नहीं रहता। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कोई पक्षपात नहीं हो सकती, कोई बोलो आपसे मैं कहूं मनोदशा काम नहीं आती है, कुछ भी काम नहीं आती। क्लियर,
विश्वसनीयता किसी विद्यार्थी के विभिन्न अवसरों बोलो पर या विभिन्न प्रकार के दूसरे परीक्षणों में भी लगभग समान अंक आए तो उसमें कौन सा गुण होगा? विश्वसनीयता का। क्लियर? और उल्टा भी समझ रहे बोलो, दोनों तरह से पूछा जाता है। विभेदनशीलता वह मूल्यांकन जिसमें बोलो सभी स्तर के बालकों के स्तरों के अनुसार प्रश्न रखे जाते हैं। सभी स्तर के बालकों में स्पष्ट विभेद करना वाला परीक्षण विभेदनशील कहलाता है। अर्थात सभी प्रकार के स्तर के प्रतिभावान सामान्य कमजोर आदि के बीच स्पष्ट भेद करने वाला परीक्षा होनी चाहिए। वैधता किसी भी परीक्षा या मूल्यांकन की वैधता का अर्थ वे कितनी शुद्धता और सार्थकता से किसी विद्यार्थी की योग्यता का मापन करती। वैध मूल्यांकन वे मूल्यांकन होते जो उन्हीं उद्देश्यों का मापन करते जिनकी पूर्ति के लिए उन्हें निर्मित किया गया है। बोलो बात समझ में? मैंने क्या कहा, घड़ी तभी वैध होगी जब सही समय बताएगी, बाकी लाख उसमें अच्छाइयां हो, एक नजर हटती नहीं हो, बोलो सुंदर है, बड़ी है, लेकिन अगर वो समय आगे पीछे बताती है तो वो वैध नहीं होगी। बात समझ में आए? ओके। मानकीकृत वह मूल्यांकन जिसमें उपरोक्त सभी विशेषताएं शामिल हो उनको क्या कहते हैं? मूल्यांकन कैसा? मानकीकृत। अब आपको एक एक लाइनें क्या याद रखनी, मैंने वापस स्पेशल नोट में बताया है। बोलो एक ही परीक्षा के बार बार अंकन पे वही परिणाम तो क्या टिक करोगे? बोलो बात समझ में आए? समान स्तरीय परीक्षा में समान अंक तो ओके। परीक्षण सभी स्तर के छात्रों का अनुकूल होना, मतलब सबको एग्जाम देकर लगना मजा आ गया, कुछ क्वेश्चन तो मेरे लिए थे। बात समझना? संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रश्नों को सम्मिलित करना, अभीष्ट लक्ष्य का ही मापन करना, वैधत। ये पांच लाइनों पांच स्पेशल नोट से आपका काम हो जाएगा। ओके। उसके बाद मापन और मूल्यांकन वापस डिटेल से। मापन किसी वस्तु का अंकांकन रूप है जबकि मूल्यांकन मापन के साथ साथ क्या है? परिणात्मक रूप है। मापन से ये पता किया जाता है कि कोई वस्तु कितनी मात्रा या वजन में है जबकि मूल्यांकन से किसी वस्तु के गुण और दोष के बारे में जानकारी प्रदान करता है। जांच में परीक्षा में मापन विद्यमान रहता है। मापन तो मूल्यांकन का ही एक अंग है। राइट स्टोन के अनुसार मापन में विषय वस्तु विशेष कौशल और ज्ञानोपयोग बोलो योग्यताओं की उपलब्धि के एकांकी पक्ष पर अधिक बल दिया जाता है जबकि मूल्यांकन में व्यक्तित्व संबंधी परिवर्तनों और शैक्षणिक कार्यक्रम के व्यापक उद्देश्य पर बल दिया जाता है। अब मापन और मूल्यांकन में कितने अंतर होते हैं वो सारे मैंने बताया है। मतलब आपको करना क्या है, वापस पढ़ते समय क्या चीज पढ़नी है समझ में आए? अभी मैंने जो तकनीकी गुण बताया वो पता होना चाहिए, मूल्यांकन की परिभाषाएं देखनी है। बोलो बाकी जो चीज आपको लगता है कि वो तो खाली थ्योरेटिकल है उसको देखने की जरूरत नहीं है। अब मापन और मूल्यांकन में अंतर आपको पता होना चाहिए। मूल्यांकन का और इजीली समझ में आएगा, मूल्यांकन का क्षेत्र क्या होता है? बोलो अत्यंत व्यापक होता है जबकि मापन का क्षेत्र क्या होता है? संकीर्ण होता है। उद्देश्यों को पर आधारित कौन होता है? मूल्यांकन। पाठ्यक्रम पर आधारित कौन होता है? मापन। मूल्यांकन एक क्या है? नवीन धारणा है। मापन क्या है? एक प्राचीन धारणा है। मूल्यांकन में अंक प्रदान करने के बाद मूल्य का निर्धारण किया जाता है। मापन का कार्य केवल क्या है? अंक प्रदान करना। ये मूल्यांकन अनवरत जीवन आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है जबकि केवल ये केवल सामान्य जांच हेतु समय समय पर प्रयुक्त की जाती है। मूल्यांकन इसमें संख्यात्मक और वर्णनात्मक व्याख्या की जाती है। इसमें केवल संख्यात्मक व्याख्या की जाती है। जो चीज इधर आई वो तो इधर आएगी आएगी। बोलो बात समझ ना? छात्र के संबंध में सार्थक भविष्यवाणी किया जाना संभव है किसमें? बोलो मूल्यांकन में। और इसमें भविष्यवाणी संभव नहीं है। टोटल 13 अंतर बताए। 8 बोलो मूल्यांकन के लिए अधिक समय श्रम साधन और धन की आवश्यकता पड़ती है जबकि मापन के लिए केवल के लिए समय श्रम और साधन धन की आवश्यकता कम पड़ती है। मूल्यांकन बहुमुखी होता है जबकि मापन क्या होता है? एकांकी होता है। मूल्यांकन एक साधन है जबकि मापन क्या है? एक साध्य है। साधन का मतलब होता है लक्ष्य। बोलो बात समझना? ओके। मूल्यांकन के द्वारा साक्ष्यों के निष्कर्ष निकाले जाते हैं और मापन के द्वारा साक्ष्यों को एकत्रित किया जाता है। छात्र के संबंध में संपूर्ण व्यक्तित्व संबंधी स्पष्ट धारणा किससे संभव है? मूल्यांकन से। व्यक्तित्व पर्सनैलिटी के संबंध में स्पष्ट धारणा का निर्धारण नहीं किया जा सकता। किससे नहीं किया जा सकता? बोलो मापन से नहीं किया जा सकता। क्लियर? ये शिक्षक का आत्म परीक्षण है कौन सा वाला? बोलो। और मापन क्या है? छात्र का परीक्षण है। ठीक है,
तो आई थिंक ये अंतर तो इजीली समझ सकते हो। बोलो यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है, आपको कभी कह दे कि मूल्यांकन के लिए क्या सही नहीं है या क्या सही है कौन सी, तो आपको यहाँ से अंतर पता रहेगा। बोलो मूल्यांकन के प्रयोजन, शिक्षक की कुशलता और सफलता का मापन करना, शिक्षण की सफलता और विफलता की जांच करना, पाठ्यक्रम में सुधार लाने हेतु मूल्यांकन परम आवश्यक है। मूल्यांकन का प्रयोजन शैक्षणिक कार्यक्रम, शिक्षण विधियां आदि की उपयोगिता की जांच करना है। मूल्यांकन से बालक को उचित शैक्षिक व्यवसायिक पद प्रदर्शन लेने में सहायता मिलती है। अब आ जाते हैं वेरी इंपॉर्टेंट अगला सेक्शन, बोलो मूल्यांकन के प्रकार। बोलो बात समझ में, आप देखोगे तो आपके मेनली परिभाषा, माप, मूल्यांकन के तकनीकी गुण और प्रकार, यही मेन चीज आपको पढ़नी है, क्लियर। अब आपको मैंने पहले तो यहाँ पर इसी चार्ट में बता दिया, इसी चार्ट का वापस वर्णन किया, क्लियर। एक बार पूरा पढ़ने के बाद यही चार्ट से रिवाइज कर सकते हो, क्लियर। मूल्यांकन के प्रकार, सेक्शन के उद्देश्य के अनुरूप ही इसका मूल्यांकन किया जाता है। मूल्यांकन को दो भागों में विभक्त किया जाता है, एक है परिणामात्मक और एक है गुणात्मक। परिणामात्मक में दो होते हैं, एक ज्ञान पक्ष पे आधारित, एक क्रिया पक्ष पे आधारित। ज्ञान पक्ष पे आधारित में तीन होते हैं, एक मौखिक, एक लिखित और एक प्रायोगिक। लिखित में दो होते हैं, एक वस्तुनिष्ठ परीक्षा और एक निम्नात्मक परीक्षा। एक और वस्तुनिष्ठ परीक्षा में फिर दो होते हैं, एक प्रतिस्मरण और एक प्रतिअभिज्ञान। प्रतिस्मरण मतलब पूर्ति पर आधारित, प्रतिअभिज्ञान मतलब चयन पर आधारित, क्लियर। अभी पढ़ेंगे आपको पूरा समझ में आएगा। प्रतिस्मरण में फिर दो होते हैं, सामान्य प्रतिस्मरण और रिक्त बोलो स्थान पूर्ति। प्रतिअभिज्ञान चयन में भी बोलो पांच होते हैं, एक सत्य असत्य, एकांतर अनुक्रिया, एक बहुविकल्प, वर्गीकरण, समांतर रूप, सादृश्य अनुभव। अभी जब हम पूरा डिटेल से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा कि हमारा जो एग्जाम होता है, जिसको हम ऑब्जेक्टिव एग्जाम कहते हैं, वास्तव में वस्तुनिष्ठता की कुछ ही चीजें होती है। वस्तुनिष्ठता का मतलब एबीसीडी नहीं है, वस्तुनिष्ठता में बहुत सारी चीजें आती है। सही वस्तुनिष्ठता कहाँ थी याद करो, जब आप छोटे थे तो आपके दो पेपर होते थे, एक ए पार्ट और एक बी पार्ट। ए पार्ट 15-20 मिनट का होता था, जिसमें अच्छे अच्छों के पसीने आ जाते थे, जिसके अंदर क्या होता था, बहुत सारे ऐसे प्रश्न भी होते थे जिसमें एक लाइन में आंसर देना होता था, ऐसे प्रश्न भी होते जिसमें सत्य असत्य पे टिक करना होता था, ऐसे प्रश्न पत्र भी होते थे जिसमें चार नाम में से एक नाम उसमें बताना होता था, कुछ ऐसे प्रश्न भी होते थे जिनमें एबीसीडी में करना होता था। और समझे बोलो, उस पूरे में जो एबीसीडी वाला होता था उसमें ये चलता था, बोलो बात समझ ना। बाकी में तो क्या होता है, याद करके करना होता था, लिमिटेड टाइम। तो वो वस्तुनिष्ठता है जो अभी अपन पढ़ेंगे। आपका तो क्या होता है कि वस्तुनिष्ठता का केवल तीन चार, एक तो मिलान करो ऐसे आ जाते हैं, एक एबीसीडी वाला बोलो आपसे मैं करो, बाकी आपके नहीं आते। लेकिन वस्तुनिष्ठता का रियल मीनिंग क्या होता है यहाँ पता चलेगा। और गुणात्मक में भाव पक्ष से संबंधित वही निरीक्षण, साक्षात्कार, प्रश्नावली, जांच सूची, रेटिंग, इसके जो हम सारे पर्सनैलिटी के मापन की विधियां पढ़ते हैं वही सारी यहां पर आती है, क्लियर। तो पहला अपन मतलब ये चार्ट पूरा पढ़ना है अपने को, बोलो बात समझ ना। तो पहला ए पार्ट पढ़ रहे हैं, परिणामात्मक मूल्यांकन। पहला परिणामात्मक मूल्यांकन में कौन सा, ज्ञान पक्ष पे आधारित। ज्ञान पक्ष पे आधारित में मौखिक, बोलो मौखिक परीक्षा, कोई भी परीक्षा होती है, चाहे मौखिक हो, लिखित हो, प्रायोगिक हो, निम्नात्मक हो, बस सबका गुण और दोष दोनों होते हैं। सबके क्या होते हैं, गुण और दोष, ठीक है। तो आपसे मेरे को किसी में पूरी बुराइयां नहीं होती, किसी में सभी अच्छाइयां नहीं होती, क्लियर। मौखिक परीक्षाएं का उद्देश्य छात्रों की तुरंत अभिव्यक्ति और क्रियाशीलता की जांच करना है। मतलब बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो यू लिखने में तो सब लिख देते हैं, सब याद रहता, जैसे टीचर कुछ पूछता है उसको कुछ पता नहीं चलता, बात समझ ना। तो बोलो मौखिक में एक्चुअली क्या देखा जाता है, आपको याद करो, छोटी कक्षाओं में तीन तरह के एग्जाम मौखिक भी होते थे, बोलो आपसे मैं कह रहा हूँ, ठीक है। मौखिक परीक्षा का उद्देश्य छात्रों की तुरंत अभिव्यक्ति और क्रियाशीलता की जांच करना है। मौखिक रूप से पूछकर बालकों से पढ़ने की योग्यता, उच्चारण की कुशलता आदि की जांच की जाती है। पूर्व प्राथमिक स्तर पर बच्चों का मूल्यांकन पूर्णतः इसी पर आधारित होता है। जो बहुत छोटे बच्चे होते हैं उनको तो यही यूज किया जाता है। लिखित परीक्षा है, वर्तमान शिक्षण पद्धति में छात्रों के मूल्यांकन हेतु सन आपसे 1902 में सर्वप्रथम ब्रिटेन के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा लिखित परीक्षा ली गई। लिखित परीक्षा का प्रयोग शिक्षा के प्रत्येक स्तर पर किया गया है। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है निम्नात्मक और एक होती है वस्तुनिष्ठ, एक एसे टाइप और एक ऑब्जेक्टिव। पहला है निम्नात्मक,
परीक्षा प्राचीन काल से प्रचलित है, इसके लिए इसलिए इस प्रकार के परीक्षणों को परंपरागत विधि भी कहते हैं। ऐसे परीक्षण अत्यंत सुविधाजनक होते हैं, मतलब टीचर को बनाने में दिक्कत नहीं आती है। सपोजेड सब्जेक्टिव पेपर बनाना, करना क्या है? महाराणा प्रताप का वर्णन करो, दैट्स ऑल, तुम जानो, तुम्हारा काम जाने। मेरी बात समझ में आए? बोलो, आपसे मेरे को ऑब्जेक्टिव में तो दिमाग लगाना पड़ता है। बोलो सब्जेक्टिव में क्या है? बोलो कोई भी प्रश्न बनाया आपसे मैं करो, उष्मागतिकी के सभी प्रकरणों का वर्णन करो। बात समझ में? इसका मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं आई थी, फटाफट पेपर बनाया जा सकता है। क्लियर? ऐसे परीक्षण अत्यधिक सुविधाजनक होते हैं, इसमें प्रश्न निर्माता निम्नात्मक प्रश्नों को अत्यंत सरलता से शीघ्रता से तैयार कर लेते हैं। निम्नात्मक प्रश्नों में छात्रों को विस्तृत उत्तर प्रस्तुत करने की अपेक्षा की जाती है, किसी मापक उत्तर से तुलना किए बिना ही परीक्षक छात्र के दिए गए उत्तरों का अंकन कर लेता है। इसमें छात्रों को भाव अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलती है। हाँ, ये जरूर है कि जो सब्जेक्टिव होते हैं उसमें आपको भाव अभिव्यक्ति आपके मन में जो आए वो लिख सकते हो। बोलो बात समझ में आए? ओके। अक्सर बोलो बच्चे होशियार होते हैं, थोड़ा दो चार लाइन बीच में रामायण और बाद में लास्ट लाइन, ओके, क्योंकि वो जानते हैं कि कौन सा टीचर कैसे चेक करता है। अगर वो टीचर का नेचर जान जाता है तो वो टीचर का फायदा उठा लेता है। क्लियर? ऐसा छोटी कक्षाओं में होता है। निम्नात्मक परीक्षा के दोष, दोष क्या क्या है? तो संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रश्न शामिल नहीं कर सकते, वैध नहीं क्योंकि इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होती है। वस्तुनिष्ठता विश्वसनीयता तो बिल्कुल भी नहीं होगी। बोलो एक टीचर चेक करेगा अलग नंबर, दूसरा टीचर चेक करेगा अलग नंबर। आपसे मैं आज पेपर दिया सब्जेक्टिव, कल दिया, तो जरूरी नहीं है कि उत्तर उत्तर नंबर आएंगे। बात समझ ना, मतलब समझ में आया? वस्तुनिष्ठता और वास्तु विश्वसनीयता का मतलब समझे? बोलो नहीं, अर्थात पुनः परीक्षण लेने पर अंकों में समानता नहीं होती, परिणाम की भविष्यवाणी करना संभव नहीं है। मतलब सब्जेक्टिव एग्जाम में आप ये नहीं कह सकते कि मेरे इतने नंबर आएंगे ही आएंगे। क्लियर? जांच करने में अधिक समय लगता है। एलिस के अनुसार निम्नात्मक परीक्षाएं छात्रों को मौलिकता का अवसर प्रदान करती है। हाँ, यह बात जरूर है, अभिव्यक्ति स्वतंत्रता भाग भाव अभिव्यक्ति यानी मौलिकता का अवसर देती है। उसकी तर्क शक्ति की जांच करने के लिए वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की अपेक्षा इसका प्रयोग साधारणतः अधिक सरल है। फिर वस्तुनिष्ठ परीक्षा, आज के टाइम में तो वस्तुनिष्ठ परीक्षाएं मेन है, जिन प्रश्नों के उत्तर किसी चिन्ह विशेष एक या दो शब्द के द्वारा दिए जाते हैं उन्हें हम वस्तुनिष्ठ परीक्षा कहते हैं। ध्यान रखने ला, ऑब्जेक्टिव बहुविकल्प केवल वस्तुनिष्ठ का एक प्रकार है, न कि वो का वही पूरा वस्तुनिष्ठ है। बात समझ में? बहुविकल्प जो अपना होता है वो वस्तुनिष्ठता का केवल क्या है? एक प्रकार है। क्लियर? सारा अभी अपन पढ़ते हैं। मैंने कहा ये 20वीं सदी के प्रारंभ होने के कारण नवीन प्रकार की प्रणाली है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण तकनीकी दृष्टि से निम्नात्मक परीक्षा की अपेक्षा कितना विश्वसनीय और अधिक वैध होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के प्रकार, पहला है पूर्ति प्रश्न और दूसरा है चयन। बोलो पूर्ति प्रश्न को प्रतिस्मरण भी कहते हैं और चयन को प्रति अभिज्ञान भी कहते हैं। पूर्ति प्रश्न में छात्र अपनी स्मरण शक्ति के आधार पर उत्तर देता है और प्रति अभिज्ञान विद्यार्थी अपने सही उत्तर को पहचान कर प्रश्न का समाधान करता है। दोनों को पढ़ते हैं। पहला पूर्ति प्रश्न है प्रतिस्मरण। इस प्रकार के प्रश्नों में छात्रों को उत्तर देने की पूर्ति करनी होती है। इसका उत्तर छात्र अपने ज्ञान के स्मरण करके देता है अथवा कोई अपूर्ण वाक्य दिया जाता है उसको पूर्ण करना पड़ता है। इस प्रकार के प्रश्नों में मुख्यतः छात्र की प्रतिस्मरण करने की योग्यता का मापन होता है, इसलिए पूर्ति प्रश्नों को प्रतिस्मरण प्रकार के प्रश्न भी कहते हैं। मतलब आपकी शॉर्ट मेमोरी कैसी है, फटाफट आपको याद आता है कि नहीं आता है? तो ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है, अभी मैं आपको चेक करूंगा, रिक्त स्थान की पूर्ति प्रश्न। इसमें छात्रों को वाक्य के रिक्त स्थान की पूर्ति करनी होती है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति --, तुरंत ये पढ़ा, ये सोचोगे बोलो बात समझ में? तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा। बताओ भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर कौन थे? भरो इसमें, बोला आपसे मैं कह रहा हूं, सॉरी वर्तमान पूछा है। हाँ बोलो कौन? रामनाथ कोविंद। और प्रथम पूछ ले तो आपसे मैं सपोज किसी ने वर्तमान देखा ही नहीं, राजेंद्र प्रसाद याद था वो भर दिया, तो गलत हो जाएगा। बोलो बात समझ में? बोलो भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? बोलो रामनाथ कोविंद। ठीक है, थोड़े दिनों में चेंज होने वाले हैं, बात समझ ना, कार्यकाल पूरा होने वाला है। ठीक है, बात समझ में आई? बोलो चुनाव वाक्य पूर्ति प्रश्न। बोलो एक पहला तो ये वाला,
देखो प्रतिस्मरण के टाइप देख रहे हैं, प्रतिस्मरण में पहला समझ में आया, फिर है चुनाव वाक्य पूर्ति प्रश्न है। इसमें वाक्य के आगे, आपसे मैं कह रहा हूं वाक्य के आगे कुछ शब्द दिए जाते हैं जिनमें छात्रों को उन शब्दों में से उचित शब्द का चुनाव कर रिक्त स्थान को पूरा करना होता है। तुलसीदास की प्रमुख रचना का नाम कामयानी, रंगभूमि, रामचरितमानस। क्या बोलो? भर दो इसमें रामचरितमानस। ठीक है, रामचरितमानस। सरल प्रतिस्मरण प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों के छात्रों को सीधे सीधे प्रश्न पूछे जाते हैं। प्रश्न का रूप इस प्रकार होता है कि उत्तर संक्षिप्त और विशिष्ट होता है। भारत की राजधानी का नाम लिखो। हाँ, बस इतना ही लिखना होगा, किसी के मन में आए मैं तो बहुत वर्णन करूंगा वो नहीं लिख सकता। क्लियर? ओके। भारत कब स्वतंत्र हुआ? 19। अब कुछ 1951 लिखेंगे, कुछ 1940 अलग अलग लिखेंगे ना। भारत कब आजाद हुआ? बोलो, स्वतंत्र हुआ। ठीक है, ओके। 15 अगस्त के 26 जनवरी। ओके। चयन प्रश्न, इस अब देखो ये तो अभी प्रतिस्मरण थे, बोलो अब चयन प्रश्न। बोलो वो प्रतिस्मरण थे, ये प्रति अभिज्ञान है। वहां पर स्मरण शक्ति को चेक किया जाता है, यहाँ चयन शक्ति को चेक किया जाता है। क्लियर? तो आपके ये वाले ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं क्योंकि आपका चयन वाले होते हैं ना। ओके। इस प्रकार के प्रश्न, मतलब आपको ये पता चला कि वस्तुनिष्ठता में प्रतिस्मरण भी आता है और प्रति अभिज्ञान भी आता है। क्लियर? इस प्रकार के प्रश्नों में अनेक संभावित उत्तरों में से सही उत्तर का चयन करना पड़ता है। इसमें छात्रों का चयन करने की योग्यता का मापन होता है, इसलिए इन्हें अभिज्ञान प्रश्न भी कहते हैं। चयन प्रश्नों को निम्न भागों में बांटा जा सकता है। पहला है बहुविकल्प प्रश्न, आधा कर यही अपन यूज में आते हैं। इसमें परीक्षार्थी को दिए गए अनेक विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना पड़ता है। चलो चेक करता हूँ, निम्नलिखित शब्दों में सुषुप्त शब्द को कौन सा है? ऐतिहासिक, इत्यादि, इत्यादि, ऐतिहासिक, बोलो कौन सा है? लगभग सब एक जैसे ही लग रहे हैं। बोलो आप सोच बताओ सही शब्द कौन सा है? अरे हिंदी पढ़ी है, क्या होगा? बोलो बी राइट होगा, बोलो। ओके। उसके बाद सत्य असत्य प्रश्न, इस प्रकार के प्रश्नों में सत्य असत्य विकल्प में से किसी एक का चयन कर निशान लगाना होता है। 26 जनवरी हमारा स्वतंत्रता दिवस है, सत्य का सत्य है? देखो ध्यान रखना, इसमें तो खाली टिक करना है। बोला अभी जो था उसमें भरना था। मेरी प्रतिस्मरण और प्रति अभिज्ञान में प्रकार अंतर समझ में आ रहा है? बोलो क्या सत्य का सत्य है? सत्य का सत्य है, क्योंकि अभी अभी 15 अगस्त किया है। मतलब मैंने कैसे प्रश्न लिखे कि आपको ऐसा ही होता है? बोलो बात समझ ना। ठीक है, आप मुझे बताओ, जब छोटे थे जो ए पार्ट आता था, कभी कभी कुछ प्रश्नों का उत्तर उसी में भी होता था। अरे ऐसा होता था कि नहीं होता था? बोलो क्लियर। वो जिसका ध्यान जाता था वही कर पाता था। क्लियर? रामचरितमानस के रचयिता तुलसीदास थे। सत्य का सत्य, सत्य है। क्लियर? ओके। क्योंकि अभी अपन ने किया था, बोलो बात सुनो ना। वर्गीकरण प्रश्न, इस प्रश्नों में ऐसे शब्दों का समूह दिया जाता है जिनमें एक को छोड़कर सभी शब्द इस प्रकार की वस्तु और क्रियाओं से संबंधित होते हैं जिनमें असंगत का चयन करना होता था। करोगे? पानी, नीर, जल, पावक, असंगत कौन सा है? क्योंकि बाकी सब जल के और एक अग्नि का है। क्लियर? राजस्थान, पंजाब, जयपुर, गोवा है? अरे बाकी सब तो स्टेट और एक राजधानी है। समझ में आई मेरी बात? ओके। चलो वर्गीकरण प्रश्न समझ में आया? बोलो ये भी वस्तुनिष्ठता का प्रकार है। बोलो बात समझना। व्यवस्थीकरण प्रश्न, इसमें कई शब्द, कथन, वाक्यांश अव्यवस्थित रूप से रख दिए जाते हैं जिन्हें व्यवस्थित रूप से जमाने को कहा जाता है। खरगोश को खिलाओ काट कर गाजर, सही क्या होगा? समझ गए? बोलो। ओके। ये भी किसका टाइप है? वस्तुनिष्ठता का। अरे समझे समझे, खरगोश को। हाँ ठीक है, मेरी बात समझ में है। बहुत सी बार हम भी कभी बोलने में लाइन तो बोल देते हैं लेकिन वो हिंदी की सही
और हिंदी में है ना, पहले ही आना चाहिए, फिर ही आना चाहिए, फिर आना चाहिए, फिर आना चाहिए, क्लियर। ओके, मिलान प्रश्न, इसमें परीक्षार्थी को दो या ये वाले तो आते हैं अपने, बोलो ऑब्जेक्टिव में, दो या दो से अधिक मिलान करके कोष्ठक में सही पद लिखना पड़ता है, संबंधित पदों को रेखा खींच कर मिलाना है, ए ई बी वन और डी, कैल्सिफेरॉल, थायमोन, रेटिनॉल, टोकोफेरॉल, बताओ फटाफट मिलाओ। विटामिन ए का क्या होगा, है रेटिनॉल, लाइन खींच दो। ई का क्या है, ई का क्या है, टोकोफेरॉल, ई का क्या है, टोकोफेरॉल, बोलो। बी वन का क्या है, डी का क्या है, और कर दिया मिलन, याद है कि नहीं है। ए का क्या है, रेटिनॉल, ई का टोकोफेरॉल, बी वन का थायमिन, डी का कैल्सिफेरॉल, बात समझ में। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के गुण, हर परीक्षा में गुण दोष दोनों होते हैं। गुण तो क्या है, तुरंत परिणाम दिया जा सकता, देते नहीं, वो बहुत बात अलग है। मतलब आपका अगर एग्जाम कोई ऑब्जेक्टिव है, गवर्नमेंट चाहे तो 5 दिन में रिजल्ट दे सकता है। करना क्या है, ओएमआर सिटी पहुंची, मशीन में डाला और रिजल्ट निकल गया, लेकिन देते नहीं, वो अलग बात है, ठीक है। जांच करने में सरलता रहती है, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, अंडरलाइन लगाना, मैंने हमेशा कहता हूं ऑब्जेक्टिव एग्जाम में कभी भी, क्योंकि चयन करने की योग्यता आप में आनी चाहिए, प्रति अभिज्ञान की योग्यता आनी चाहिए, बोलो बात समझ ना। निश्चित उत्तर होने के कारण भ्रम नहीं रहता है, क्लियर। ज्ञान की वास्तविक जांच हो पाती है कि वास्तव में डिटेल से पढ़ा, बारीकी से पढ़ा कि नहीं पढ़ा, बात समझ ना। इसमें वेदता, वस्तुनिष्ठता, विश्वनिष्ठता, विभेदीकरण के गुण होते हैं। संपूर्ण पाठ्यक्रम के प्रश्नों का समावेश रहता है, क्लियर। एक एग्जामिनर चाहे तो ऑब्जेक्टिव को इस तरह से डिजाइन कर सकता है कि सभी भाग को अंदर ले सकता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षा के दोष क्या है, अनुमान लगाने की प्रवृत्ति का प्रोत्साहन, और तुक्का जिसको बोलते हैं, मतलब ऑब्जेक्टिव एग्जाम ऐसा है जिसमें कोई कुछ भी नहीं पढ़ के जाए तो भी पेपर तो दे के आ सकता है। करना क्या है, बोलो बोलो, बात समझ में, ऐसे है, क्लियर। तो आपसे मैं कह रहा हूं अनुमान लगाने की प्रवृत्ति क्या बढ़ती है। उसके बाद भाव की अभिव्यक्ति करने में असमर्थ रहता है। कभी एक प्रश्न आया, ऑप्शन टिक करना, आपको लगता मन में इच्छा आ रही बहुत कुछ लिखो, लेकिन नहीं लिख सकते हैं। प्रश्न पत्र निर्माण में अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, क्लियर। बोलो आपसे, प्रश्न पत्र निर्माण में क्या होता है, अधिक श्रम की आवश्यकता होती है, क्लियर। जैसे अभी हम आपका एक तैयार कर रहे हैं तो बहुत टाइम लगता है, अभी आपके मेजर टेस्ट होगा ना, बोलो एलएस से पहले, क्लियर, वो आपको मैसेज आ जाएगा, क्लियर। तो आपसे भाषा और शैली क्या रह जाती है, दुर्बल रह जाती है, क्लियर। बोलो भाषा और शैली, मतलब जिसको ऑब्जेक्टिव ज्ञान रहता है उसको तो टिक करना है, बोलो ए ई कहाँ जाता है, छोटी बड़ी ही कहाँ जाती है, बोलो सब कमजोर हो जाती है, क्लियर। प्रयोगित परीक्षा, ये लिखित परीक्षा में इतना देखा, लिखित में निंदात्मक वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठ में कितनी सारी चीजें थी, प्रति अभिज्ञान, प्रतिस्मरण, सब था, बोलो बात समझ ना। ओके, अब इनको क्या आपको इंटरेस्टिंग वे में लेना, नहीं कि रटने में लेना, क्लियर। जो पहले चार्ट है उसी चार्ट को सोचना है उसमें क्या है, क्लियर। फिर है प्रायोगिक परीक्षा, पुस्तक के ज्ञान का व्यवहारिक रूप से उपयोग करने की कुशलता को सीखने के लिए प्रायोगिक कार्य किया जाता है। प्रायोगिक परीक्षा के माध्यम से छात्र में कौशल की जांच की जाती है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जाए किसी भी बोलो बालक का जो प्रायोगिक परीक्षा लेते हैं, बोलो उसकी क्या चेक किया जाता है, कौशल का, स्किल्स कितनी डेवलप हुई है, क्लियर। अब है गुणात्मक मूल्यांकन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सारा हम साइकोलॉजी में पढ़ लेते हैं, क्लियर। आपसे मैं भाव पक्ष से संबंधित, इसका उद्देश्य छात्रों में निरंतर सुधार करना है। ये छात्रों को उपलब्धि और विकास को संख्यात्मक रूप से प्रस्तुत नहीं करती है, बल्कि छात्रों में उनकी वास्तविक स्थिति से ऊंचा उठाना का प्रयास करती है। इसके अंतर निम्न परीक्षण आते हैं, निरीक्षण, बोलो ये विधि एक पुरानी विधि है, प्राचीन काल में मानव द्वारा निरीक्षण विधि का प्रयोग अधिकतर प्रयोग में लाया जाता, शिशुओं के व्यवहार का निरीक्षण करना, चिकित्सक द्वारा रोगी के निरंतर निरीक्षण करना, क्लियर। आपसे मैं कह रहा हूं साक्षात्कार, जानते हो इंटरव्यू, बोलो मूल रूप से निश्चित उद्देश्य के साथ वार्तालाप है, बोलो जिसमें विद्यार्थी अध्यापक द्वारा पूछे जाने वाले अपने पूर्व घटनाएं, भावना और प्रतिक्रियाओं प्रस्तुत करता है, अध्यापक वैज्ञानिक दृष्टि से उसे सुनता है। साक्षात्कार शैक्षणिक समस्या के निदान और उपचार में भी सहायक है। प्रश्नावली, नाम सुना प्रश्नावली, बोलो वुडवर्थ ने, शिक्षक में किसने बनाई, वुडवर्थ ने, क्लियर।
और आपसे मेरे को निर्धारित प्रश्नावली प्रश्नों की वह लंबी सूची होती है जो विद्यार्थी से सूचना एकत्रित करने के लिए उसे उत्तरों के विकल्प में से एक को चयन करना होता है। बोलो मत सूची, जांच सूची, इसका प्रयोग अभिरुचि या भावात्मक पक्ष के लिए किया जाता है। ये सब हम पर्सनैलिटी टॉपिक में पढ़ते हैं। बोलो बात समझना, इसमें कुछ कथन दिए जाते हैं, उन कथनों के संबंध में छात्रों को हाँ या हाँ में उत्तर देना अंकित करना होता है। इस प्रकार के कथनों की सूची से रचना करते हुए उसके समय उद्देश्य स्पष्ट होने चाहिए। रेटिंग स्केल, नाम सुना, बोलो निर्धारण मापनी। रेटिंग स्केल को क्या बोलते हैं? निर्धारण मापनी। ठीक है, ये एक विधि है जिसके द्वारा किसी विशेष लक्षण के बारे में मत की अभिव्यक्ति को प्रणाली बंद किया जाता है। इसके माध्यम से एक कक्षा के विद्यार्थी को आपस में तुलना की जा सकती है। संचय आलेख, संचित अभिलेख शब्द उन सभी प्रकार के अभिलेखों के लिए प्रयोग में किया जाता है जिसमें किसी विद्यार्थी के बारे में कई वर्ष तक लाभदायक अविश्वसनीय सूचना एकत्रित करने की व्यवस्था होती है ताकि विद्यालय रहते हुए या विद्यालय छोड़ते समय उसकी शैक्षिक, व्यावसायिक और व्यक्तिगत समस्या के समाधान में सहायता मिलती है। आप समझ रहे हो संचय आलेख क्या? अरे TC, बोलो, जो आपकी TC होती है ना, जब स्कूल छोड़ते हो तो आपने इतने साल स्कूल रहे, कितने बने, क्या आपके, वो सब कुछ होता है। ठीक है, संचित अभिलेख का पत्र के पर्यायवाची शब्द एकत्रित आंकड़े, कार्ड, स्थायी आंकड़े, कार्ड आदि छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करने हेतु शिक्षक को छात्र के संचय अभिलेख की जानकारी आवश्यक है। आप जाओगे किसी स्कूल में तो पहले आपकी TC मांगेंगे, फिर वो देखेंगे, उससे पता लगेगा कि वास्तव में आप किस तरह के बच्चे हो। बोलो बात समझ ना। उसके बाद घटनावर्थ, घटनावर्थ का अर्थ बोलो विद्यार्थी द्वारा लिखित डायरी, अध्यापक द्वारा तैयार किए गए वर्ण से यह अभिलेख बालक की प्रवृत्ति का वास्तविक ब्यौरा होती है। बात समझ में। मेनली आपका जो इस पूरे मूल्यांकन के अंदर तीन ही चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं। पहला भाग क्या है? मूल्यांकन की जो दो परिभाषाएं बताई वो, दूसरा मूल्यांकन के तकनीकी गुण और तीसरा मूल्यांकन के प्रकार और चौथा मापन और मूल्यांकन में अंतर। इसके अलावा कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। बोलो बात समझ में आए? ओके।